हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वी हैव स्टडीड बीकन्स फेमस एसे ऑफ स्टडीज़। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड एसे रिटन बाई फ्रांसिस बीकन, दैट इज़ ऑफ रिवेंज। स्टूडेंट्स, अब हम लोग ऑफ स्टडीज़ के बाद जो दूसरा एसे है फ्रांसिस बीकन का, वो है ऑफ रिवेंज, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। What important characteristics of Francis Bacon's essays we have studied in the beginning of my lectures. So all those we have found in his first essay of his studies. And in this essay of revenge, we will again watch the important characteristics of Bacon's essays. Students, अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में तमाम सारे मेजर करेक्टरिस्टिक्स जो बीकन के एसेज के मैंने डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे हम लोगों को ऑफ स्टडीज़ में देखने के लिए मिले। उनकी एफोरिस्टिक स्टाइल, उनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है अपने एसेज में, उनकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, सारी की सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिली। और फिर से ऑफ रिवेंज एसे में हम लोग बेकन के उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए पाएंगे। स्टूडेंट्स, इस एसे की जो ख़ास बात है ऑफ रिवेंज की, वो ये है कि बेकन अपने इस एसे में थोड़ा सा मोरलिस्टिक ज़्यादा है, थोड़ा सा नैतिक पक्ष को ज़्यादा उद्धृत करता है, जो एक जीवन का नैतिक पक्ष है, जो कहीं ना कहीं यथार्थ के धरातल पर थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। हम इस एसे में उन चीज़ों को देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस एसे में फ्रांसिस बेकन ने रिवेंज के तमाम पक्षों को दिखाया है। रिवेंज हम लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में तमाम रूपों में देखते हैं। रिवेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स बदला लेना। क्या होता है स्टूडेंट्स रिवेंज? मींस बदला। हम छोटे छोटे चीज़ों में बदले की भावना से ग्रसित रहते हैं। वैसे तो तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हम लोग देखते हैं जिसमें बदला लिया जाता है, तमाम सारी मूवीज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, जिसमें पूरा का पूरा जो प्लॉट होता है उस सर्टेन फिल्म का, वो पूरा का पूरा बदले पर ही आधारित होता है। किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ भी गलत किया है तो हम लोग उस व्यक्ति से बदला लेते हैं। लेकिन हमारी जो आम जीवन है, उसमें छोटे छोटे स्थानों पर छोटी छोटी बातों के लिए भी हम लोग बदले का सहारा लेते हैं। क्लासरूम में अगर किसी ने हमको अपना नोट्स नहीं दिया है, हमने मांगा कि भाई कल हम नहीं आए थे, हमको अपना नोट्स दे दीजिए, तो अगर वो नोट्स नहीं देता है स्टूडेंट्स, तब भी हमारे मन में उसके प्रति बदले की भावना आती है कि चलो जब तुम कभी नहीं आए रहोगे और कहोगे कि हमको अपना नोट्स दे दीजिए तो हम भी नहीं देंगे। इस तरीके के छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी भावनाओं में भी हम लोग बदले की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन फ्रांसिस बेकन ये बताने का प्रयास करता है कि द इमोशन ऑफ रिवेंज, रादर वी कैन से द डर्टी इमोशन ऑफ रिवेंज, कैन नेवर बी जस्टिफाइड। हम बदले की भावना को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, कभी भी न्यायसंगत नहीं ठहरा सकते हैं। हम किसी भी स्थिति में
बदले के विचार को सही नहीं ठहरा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस संबंध में फ्रांसिस बेकन ने बदले के तमाम सारे पक्षों को दिखाने का प्रयास किया है इस हिस्से में, तो आई होप कि आप लोग तैयार होंगे वैसे के लिए स्टडी करने के लिए। हम लोग इसकी टेक्स्ट स्टडी अब करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, बेकन लिखता है, रिवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। बेकन कहता है कि बदला लेना जंगल का कानून है, बदला लेना जानवरों का कार्य है, वाइल्ड जस्टिस एक ऐसा न्याय जो जंगल का न्याय है, ऐसा न्याय जो जानवरों के लिए सूट करता है। किसी ने एक सींग मार दी तो दूसरा जानवर दौड़ पड़ता है कि अब हमको भी सींग से मारना है इसको। एक कुत्ते ने भौंक दिया, दूसरा कुत्ता भी भौंकने लगता है। लेकिन बेकन कहता है कि ऐसा मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर तो वो उसी वाइल्ड जस्टिस की कैटेगरी में खड़ा हो जाएगा, उसी जंगली कानून की कैटेगरी में खड़ा हो जाएगा, उसी जंगल के न्याय की व्यवस्था का अंग बन जाएगा। फिर उसे हम कुत्ते से, बिल्ली से, भैंस से, गाय से, सांड से, सांप से, चीते से, भालू से, शेर से अलग नहीं मान सकते हैं। इसलिए बेकन कहता है कि रिवेंज इज ए काइंड ऑफ जस्टिस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। बदले का विचार या बदला लेना ये वाइल्ड जस्टिस है, ये जंगली लोगों का कानून है, जंगली लोगों का न्याय है। ऐसे लोग जो जंगली होते हैं, आदिवासी होते हैं, जंगलों में जीवन जीते हैं अपना, जिनमें मनुष्यता नहीं है, जिनमें सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, जो सभ्य समाज के मानदंडों को नहीं जानते हैं, जिनमें क्षमा के गुण का विकास नहीं हुआ है, बेकन कहता है वो लोग बदला लेते हैं। आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, ईंट का जवाब पत्थर पे, ऐसे विचार व्यक्ति को जानवर बना देते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, इस पहली लाइन को हमेशा याद रखिएगा, आवश्यकता पड़ने पे इसको आप कोट करते हैं कि रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। अगर आपका कोई साथी, कोई मित्र बदला लेने के बारे में विचार करता है, बदला लेने के लिए एक्साइटेड रहता है, तो उस स्थिति में आपको ये लाइन दोहरानी चाहिए कि डियर, बेकन सेज रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। बदला तो जानवरों का कार्य है। स्टूडेंट्स, क्षमा करना मनुष्य का गुण है। मानव सभ्यता का यदि विकास हुआ है तो उन मानवीय मूल्यों से हुआ है, जिन मानवीय मूल्यों में क्षमा उसका प्रथम गुण है। हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे क्लासिक्स में क्षमा को हमेशा महान बताया गया है। एंड इन आवर क्लासिक्स, रिवेंज हैज नेवर बीन जस्टिफाइड। वी आर द मैन ऑफ द
कल्चर ऑफ फॉरगिवनेस। हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं जिनमें 100 गलतियां तक माफ कर दी जाती हैं। जब बदला लेना अपरिहार्य हो जाए, जब कोई अन्य विकल्प ही न हो, ऐसी परिस्थितियों में ही हम रिवेंज की तरफ बढ़ें, अन्यथा हमें रिवेंज से हमेशा अपने आप को बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं और जिस क्षण हम बदला लेते हैं उस वक्त हम जानवरों की कैटेगरी में आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बदला लेना सभ्य समाज का लक्षण कभी नहीं हो सकता है। आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा होगा, बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट में प्रेस्क्राइब भी है। उसमें पोर्शिया की वो फेमस स्पीच है जो वो एंटोनियो को बचाने के लिए साइलाक के सामने बोलती है और बात करती है मर्सी की, जब वो लिखती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, क्षमा ईश्वर का गुण है, क्षमा व्यक्ति को देवता बना देती है और बदला व्यक्ति को जानवर बना देता है। कहीं ना कहीं उन्हीं विचारों को लेकर के फ्रांसिस बेकन यहां आगे बढ़ता है, लिखता है कि रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का विष्णु को घट गई जो भृगु ने मारी लात। स्टूडेंट, भृगु नाम के एक संत थे, ब्राह्मण संत थे। एक बार वो किसी कार्य के लिए भगवान विष्णु के पास चले गए क्षीर सागर में, उनको आवाज दी, वो जागे नहीं। क्रोधी स्वभाव के ब्राह्मण भृगु, उन्होंने विष्णु भगवान की छाती में सीधे एक लात खींच करके मारा और कहा कि घमंड से उन्मत्त विष्णु, तुम्हारे दरवाजे पर मैं आया हूँ, तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो, सो रहे हो। और जब भगवान विष्णु जागते हैं तो जाग करके भृगु महाराज के चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि वज्र जैसी मेरी छाती है और इतने कोमल कोमल आपके पैर हैं, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। इतने शर्मिंदा होते हैं भृगु महाराज। तो ये क्षमा करने का जो कार्य है वो ईश्वर का कार्य है, ईश्वर क्षमा करता है। ईश्वर कभी भी बदले की भावना से प्रेरित नहीं होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो मानवीय मूल्यों का पोषक है, वो नैतिक मूल्यों का पोषक है, वो सभ्यता का पोषक है, वो संस्कृति का पोषक है, वो जीवन का पोषक है। इसलिए स्टूडेंट्स, बेकन कहता है कि रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस विच द मोर मैंस नेचर रन टू, एंड दिस काइंड ऑफ इमोशन ऑफ रिवेंज रन्स इन द नेचर ऑफ मैन। किंतु बदले की भावना मनुष्य के स्वभाव का अंग है, उसके जीवन का अंग है। विच द मोर मैंस नेचर रन्स टू, ये व्यक्ति के स्वभाव में, उसके शरीर में बहने वाली रक्त वाहिनियों में बहता है। कोई व्यक्ति इस भावना से शायद ही परे हो जिसके अंदर बदले की भावना न हो।
इसलिए बेकन कहता है कि विच द मोर मैंस नेचर्स रन टू, इस भावना से हर व्यक्ति ग्रसित रहता है। बदले की भावना हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन बेकन कहता है कि इस भावना को व्यक्त नहीं करना चाहिए, इस भावना का गुलाम होकर के किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, क्योंकि बदला लेना जंगल का न्याय है, जंगल का कानून है। आगे कहता था मोर आर्ट ला टू वीड इट आउट, कहता इस बदले को कानून का कार्य है कि उसे जड़ से समूल नाश करे, वीड इट आउट, इसको जड़ से नाश कर दे, बदले के विचार का समूल नाश होना चाहिए, किंतु ये कार्य हमारा नहीं है, ये कार्य न्याय का है। यदि किसी ने हमको गाली दी, किसी ने हमको मारा, किसी ने हमको यातना दी, परेशान किया, हमारा नुकसान किया, चोरी की, तो ये कार्य न्याय का है, ये कार्य कानून का है, ये कार्य ला का है कि उस व्यक्ति को वह दंडित करे। ये हमारा कार्य नहीं कि किसी ने हमारी कलम चुरा ली तो हम उसका पूरा का पूरा ज्योमेट्री बॉक्स है चुरा लें, ये कार्य हमारा नहीं है कि किसी की साइकिल का चक्का अगर हमारे कपड़े में छू गया, थोड़ी सी मिट्टी लग गई तो हम उसका कपड़े फाड़ डाएं, तेरी ये ऐसी तैसी कैसे छू लिया, साइकिल लड़ा दिए, अब तेरे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा देंगे, नहीं, ये मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता। बेकन कहता है ये कार्य न्याय का है, न्याय व्यवस्था का है, ये कार्य कानून का है, ये कार्य न्यायालय का है, कि वो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि बदले की भावनाएं जन्म न लेने पाए, बदले के विचारों का समूल नाश हो जाए। बेकन कहता फार एज फार द फर्स्ट रॉन्ग इट डथ बट अफेंड द लॉ, यदि हम किसी से बदला लेते हैं फार एज फार द फर्स्ट रॉन्ग, तो सबसे पहली बड़ी गलती तो वहीं हो जाती है कि हम बदला लेते हैं। बदले का जो पहला कार्य है बदला लेना, वही बेकन कहता है कि गलत है। किसी को प्रताड़ित करना यही गलत है, लेकिन दूसरी गलती तो तब हो जाती है डथ बट अफेंड द लॉ, बल्कि यदि हम दोबारा किसी को दंडित करते हैं तो ये कानून का उल्लंघन हो जाता है। माने हम दो तरीके से गलती करते हैं, एक तो बदला ले लेते हैं, बदला लेते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, और दूसरा हम कानून का भी उल्लंघन कर देते हैं, कानून की दृष्टि में भी हम सजा के पात्र हो जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हम दोहरी गलती कर जाते हैं, एक तो रिवेंज लेने की, और दूसरी कौन सी गलती हो जाती है कि हम कानून के द्वारा भी दंड के पात्र हो जाते हैं। ओके ओके रुद्र ओके, स्टूडेंट्स बेकन सेज बट द रिवेंज ऑफ दैट रॉन्ग पुटेथ द लॉ आउट ऑफ ऑफिस। स्टूडेंट्स बेकन कहता बट द रिवेंज ऑफ रॉन्ग, किसी गलती के बदले यदि हम रिवेंज लेते हैं तो इसे पुटेथ द लॉ आउट ऑफ ऑफिस, हम कानून का उल्लंघन करते हैं, हम न्याय व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। बेकन कहता है सर्टेनली
इन टेकिंग रिवेंज ए मैन इज बट इवन विथ हिज एनिमी, निश्चित रूप से इन टेकिंग रिवेंज, बदला लेने में ए मैन इज बट इवन विथ हिज एनिमी, वास्तव में बदला लेने वाला व्यक्ति अपने दुश्मन का ही साथ देता है अनजाने में। किसका साथ देता है? आपको लगता है कि हम अपना जो दुश्मन है जिससे बदला ले रहे हैं हम उसका नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में बदला लेकर के आप उसकी मदद कर रहे हैं। जैसे यूं समझें आप कि किसी ने मार दिया आपको, किसी ने आपके ऊपर प्रहार कर दिया और आपका हाथ टूट गया, इसका मतलब आपका नुकसान हो गया, आपको क्षति हो गई। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ अब यहाँ से, जाओ, डिस्टर्ब मत करो। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको चोट लग गई तो आपका अहित हो गया, आपका नुकसान हो गया, पहला नुकसान तो आपका यही हो गया। लेकिन यदि आप बदला लेते हैं तो हम बदला लेकर के स्टूडेंट्स कानून का उल्लंघन कर देते हैं और कानून की दृष्टि में भी सजा के हकदार हो जाते हैं और कानून भी हमको सजा देता है। इसका मतलब पहला तो हमारा नुकसान हुआ कि चोट लगी, और दूसरा कानून भी हमको अब सजा देगा, कानून की दृष्टि में भी हम सजा के पात्र हो जाते हैं। इसका मतलब एक तो हमारा नुकसान हुआ ही, दूसरे हम जेल चले जाएंगे, हम पे जुर्माना लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट में अपने दुश्मन का ही साथ दे रहे हैं। भाई एक तो उसने आपको नुकसान पहुंचा ही दिया, उसका कार्य हो गया, अब कानून उसको सजा देगा, उसने जो आपका नुकसान किया है, लेकिन कानून आपको भी तो सजा देगा, तो वो तो और खुश होगा कि चलो हम भी जेल गए, ये भी जेल गया, इसमें कौन बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं आप बदला लेकर के अपने शत्रु का साथ देते हैं। बेकन कहता है कि इनडायरेक्टली यू स्टैंड्स इन द कैटेगरी ऑफ योर एनिमी, सर्टेनली इन टेकिंग रिवेंज ए मैन इज बट इवन विथ हिज एनिमी। आप भी उसी की कैटेगरी में खड़े हो जाते हैं, आप भी उसी का साथ देते हैं। बेकन कहता है बट इन पासिंग इट ओवर ही सुपीरियर। बेकन कहता है कि लेकिन यदि आप उसको क्षमा कर देते हैं, बदले की भावना से आगे बढ़ जाते हैं, बदले के उस विचार को पास कर देते हैं, उसको टाल देते हैं, तो देन ही इज सुपीरियर। तब वो व्यक्ति अर्थात जो क्षमा कर देता है, जो माफ़ कर देता है, वो सुपीरियर हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। स्टूडेंट्स, इन समराइज फॉर्म बेकन सेज दैट ए मैन हु फॉरगिव ही इज सुपीरियर एंड मैन हु टेक्स रिवेंज ही इज गिल्टी। स्टूडेंट्स, बेकन कहता है कि फॉर इट इज ए प्रिंसेस पार्ट टू पैर्डन। पैर्डन मीन्स क्षमा कर देना, टू फॉरगिव। बेकन कहता है इट इज ए प्रिंसेस पार्ट टू पैर्डन। प्रिंसेस माने राजकुमारों का, राजाओं का कार्य है क्षमा कर देना। फटीचर लोग तो हमेशा बदला लेने के बारे में सोचते रहते हैं, पूरा जीवन उनका इन्हीं विचारों में चला जाता है, तय बड़ी की मैं बड़ी। स्टूडेंट्स,
बेकन कहता है लेकिन क्षमा कर देना तो प्रिंसेस का पार्ट है, राजसी गुण है, ईश्वरीय गुण है, राजा का गुण है क्षमा कर देना, फॉर इट इज ए प्रिंसेस पार्ट पैडन। यदि आप क्षमा कर देते हैं तो आप राजाओं की कैटेगरी में खड़े हो जाते हैं, आप महानता में किसी राजकुमार से कम नहीं होते हैं। उदाहरण देता है फ्रांसिस बेकन, कहता है एंड सोलोमन, स्टूडेंट सोलोमन किंग ऑफ ज्यूस है, यहूदियों का एक राजा था सोलोमन, उसका एग्जाम्पल देता है बेकन, कहता है सोलोमन आई एम श्योर सेथ इट इज ग्लोरी ऑफ मैन टू पास बाई एन ऑफेंस। कहता सोलोमन ने कहा था इट इज द ग्लोरी ऑफ मैन कि ये व्यक्ति की शानदार उपलब्धि है, एक मनुष्य की सबसे बड़ी शान है ये टू पास बाई एन ऑफेंस, कि वो बदला लेने से बच जाए। व्यक्ति की शान बदले को टाल देने में होती है। इफ यू पास बाई एन ऑफेंस, अगर आप बदला नहीं लेते हैं, अगर आप बदले की भावना की अनदेखी कर देते हैं, यदि आप अपने शत्रु को क्षमा कर देते हैं, सोलोमन ने कहा था ये जीवन की सबसे बड़ी शान है, ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है, इट इज द ग्लोरी ऑफ मैन, और ये ग्लोरी केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त हुई है। बेकन कहता क्षमा कर देने का गुण केवल मानव मात्र में है, और यदि व्यक्ति इस गुण का त्याग कर देता है तो मानव नहीं रह जाता है स्टूडेंट्स, वो अपने आप को पशुओं की कैटेगरी में खड़ा कर देता है स्टूडेंट्स, वो अपने आप को जानवर बना देता है। इसलिए सोलोमन का एग्जाम्पल देकर के बेकन कहता है कि आई एम श्योर सेथ इट इज ग्लोरी ऑफ ए मैन टू पास बाई एन ऑफेंस। बेकन सेज कि दिस इज श्योर एज सोलोमन द किंग ऑफ ज्यूस हैज सेड कि इफ यू आर फॉरगिविंग समवन, इफ यू आर पासिंग द ऑफेंस, यदि आप अपनी आक्रामकता को त्याग देते हैं, इफ यू आर लीविंग योर ऑफेंसिव अप्रोच इन द रिलेशन ऑफ एनी ऑफेंसिव एक्टिविटी, यदि किसी आक्रामक स्थिति में आप अपनी आक्रामकता को त्याग देते हैं, आप क्षमा कर देते हैं किसी को, तो उस वक्त आप मानवता के सबसे बड़े पोषक हो जाते हैं। यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, आप मानवता के प्रतिनिधि बन जाते हैं उस वक्त। किंतु जब आप बदला लेते हैं तो आप अपने आप को सांड की कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं, आप अपने आप को कुत्ते की कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं, आप अपने आप को चीते की कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं, आप अपने आप को जंगली जानवरों की कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। इसलिए फिर से वही पहली लाइन याद रखिए, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। स्टूडेंट्स बेकन कहता है कि दैट विच इज द पास्ट इज गॉन, जो बीत गया सो बीत गया, किसी ने आपको गाली दी वो अतीत हो गया, किसी ने आपको परेशान किया वो इतिहास हो गया, किसी ने 5 साल पहले हमको गाली दी थी, वक्त गुजरा आप आगे बढ़े अपनी उपलब्धियों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आज अवसर मिलने पे आपने उससे बदला लिया, वो जख्म फिर से हरे हो गए,
कानून की दृष्टि में आप अपराधी हो गए और उस अतीत की एक घटना के कारण आपने अपने वर्तमान को भी चौपट कर दिया, आपने अपने भविष्य को भी अंधकारमय कर दिया। स्टूडेंट्स वर्तमान में लिए गए बदलों से बीत चुके जख्मों को कभी भरा नहीं जा सकता है। वर्तमान के द्वारा अतीत को कभी सुधारा नहीं जा सकता है। बदले के मामले में जो अहित जो नुकसान हमारा हो चुका होता है, हम कभी उसको सुधार नहीं सकते हैं, कभी उसको लौटा नहीं सकते हैं बदला लेकर के। इसलिए बेकन कहता है कि दैट विच इज पास्ट इज गॉन, जो बीत गया सो बीत गया, बीती ता ही बिसार दे आगे की सुधि ले, जो चला गया उसे भूल जा, दैट विच इज पास्ट इज गॉन, जो होना था सो हो गया। अब उन्हीं विचारों से ग्रसित होकर के हम अपने वर्तमान को खोखला न करें, ये हमारी उपलब्धि है। बेकन सेज कि दैट विच इज पास्ट इज गॉन एंड इन एंड इररिवोकेबल, देर इज नो रिकवरी ऑफ दैट इवेंट दैट हैज पास्ट, जो बीत गया है उसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, रिवोकेबल नहीं है, इररिवोकेबल है, उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं होती है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। बेकन कहता है कि बाई टेकिंग रिवेंज यू कैन नॉट मेंड योर पास्ट, यू कैन नॉट रिकवर योर इंजरीज, यू कैन नेवर हील योर वुंड्स, आप अपने घावों को भर नहीं सकते हैं। इसलिए बेटर फॉर अस टू फॉरगेट एंड टू लीड फॉरवर्ड एंड टू गो अहेड। इसलिए जो बीत गया है उसको भूल करके बुद्धिमानी इसी में है कि उन चीजों को हम बिसार करके आगे बढ़ें। एंड वाइज मैन हैव इनफ टू डू, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो चतुर लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। वाइज मैन हैव इनफ टू डू, जो विद्वान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जो चतुर लोग होते हैं, जो दूरदर्शी होते हैं, जिनको अपना भविष्य सुधारना होता है, वो इस बात को बखूबी समझते हैं। एंड वाइज मैन हैव इनफ टू डू, ऐसा वो लोग करते हैं जो बुद्धिमान होते हैं। एक सेकेंड के लिए आप मानिए कि आप साइकिल से कॉलेज जा रहे हैं, जल्दी में हैं, कोई व्यक्ति आपको गाली देता है रास्ते में खड़ा होकर के, यदि उस गाली के बदले में आप वहां खड़े हो जाते हैं, उससे झगड़ा करने लगते हैं, तो यदि आपको 9 बजे कॉलेज पहुंचना है, मेरी क्लास में आना है, तो स्टूडेंट्स आप आधा घंटा लेट हो जाएंगे, आप मुझे बताइए कि वह आधा घंटा आप कहां से लौटाएंगे। आपने अपना नुकसान कर लिया ना, गाली देने वाला व्यक्ति तो असभ्य ही है, वो तो आप अपना नुकसान कर ही रहा है, लेकिन आपने उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए अपने आधे घंटे खराब कर दिए। शायद उस आधे घंटे में मैंने कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ा दी होगी और उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए जीवन में स्टूडेंट्स बदला लेने के लिए कभी ठहरना मत। अगर समय से अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो लोगों की बातों को मत सुनिए, उनको प्रतिक्रिया देने के लिए मत रुकिए। आपकी उपलब्धि, आपकी प्रगति स्वयं सबसे बड़ा बदला होगा।
इसलिए बेकन कहता है एंड वाइज मैन हैव इनफ टू डू विथ थिंग्स प्रेजेंट एंड टू कम। हमेशा विद्वान लोग वर्तमान पे ध्यान देते हैं विथ थिंग्स प्रेजेंट एंड टू कम, और जो आने वाला टू कम मीन्स भविष्य। हमेशा वर्तमान पे ध्यान दीजिए, हमेशा आने वाले कल पे ध्यान दीजिए, आपका स्वर्णिम भविष्य आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है। कहीं आप बदले में पड़ करके उस आइंदा खूबसूरत मुस्तकबिल से न वंचित रह जाएं। स्टूडेंट्स, कॉलेज टाइम में आपने किसी से झगड़ा कर लिया, किसी ने आपको गाली दे दी, दो थप्पड़ मार दिया, आप उसको दो थप्पड़ मारने लगे, आप जेल चले गए, आप अपराधी बन गए। हो सकता है कि आप उसकी तरफ न ध्यान देते और इस बात पे ध्यान देते कि हम तैयारी करें और आने वाले समय में IPS बन जाएं, IAS बन जाएं, और वो व्यक्ति तब भी सड़क के किनारे खड़ा होकर के एक असभ्य व्यक्ति का ही जीवन जीता रहेगा। और आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि जब उसी रास्ते से आप गुजरेंगे, आपके पास स्क्वाड होगा, तमाम सारी आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां होंगी, शायद आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा बदला यही हो सकता है। उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी यही होगी और आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी। इसलिए वाइज मैन ऐसा ही करते हैं, एंड वाइज मैन हैव इनफ टू डू विद थिंग्स प्रेजेंट एंड टू कम। फिर आ गया, परेशान ना करा यार, जाओ जाओ दीदी के साथ खेलो, जाओ। खेलेंगे, जाओ यार, कोई गुस्सा नहीं, तुम जाओ तो नहीं, वो जाओ 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 खेलेंगे, जाओ। ओके स्टूडेंट्स, ये बेटा है मेरा, परेशान करता रहता है, बीच बीच में आ जाता है, आवाज़ सुनता है ना, डैडी पढ़ा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, भाई ऑनलाइन क्लासेज जब घर में बैठ के पढ़ाई हो रही तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। अच्छा, इसको मत ले जाओ, रखो इसको। सॉरी स्टूडेंट्स, बेकन कहते हैं वाइज मैन हैव इनफ टू डू विद थिंग्स प्रेजेंट एंड टू कम। जो चतुर लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वो अतीत पर ध्यान नहीं देते हैं कि पीछे क्या हुआ, किसने गालियां दी, किसने आशीर्वाद दिया, बल्कि वो अपने वर्तमान पर ध्यान देते हैं और आने वाले भविष्य को सुधारने का प्रयास करते हैं। डियर फॉर दे डू बट ट्रिफल विथ देमसेल्फ। अगर आप अपने साथ बदले की भावना को लेकर के चलते हैं तो आप अपने साथ धोखा करते हैं, बट ट्रिफल विथ देमसेल्फ, तो जान लीजिए कि आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं। बेकन कहता था लेबर इन पास्ट मैटर्स। अगर आप अपने पास्ट मैटर में लेबर लगा रहे हैं, अगर आप अपने अतीत में बड़ा दिमाग लगा रहे हैं, अतीत के चक्कर में अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर दे रहे हैं, बेकन कहता तो आपसे बड़ा बेवकूफ बेहुदा कोई है ही नहीं है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी over the trivial things, don't waste your labor on past matters। अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को, what special energy you have, what special kind of talent you have, what power you have, don't waste it over the trivial things, over the inharmonious emotions like revenge। बदले जैसे फालतू के विचारों पर अपना समय नष्ट मत कीजिए। बेकन कहता देर इज नो मैन डथ रॉन्ग। स्टूडेंट्स, बेकन कहता देर इज नो मैन डथ रॉन्ग फॉर द रॉन्ग सेक। बेकन कहता है कि
एक व्यक्ति को गलत के लिए गलत नहीं करना चाहिए। गलत का जवाब कभी गलत नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति गलती करे तो एक गलती के लिए दूसरी गलती करना यह अच्छे मनुष्य के लक्षण नहीं है। गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, इस न्याय से दुनिया चलने लगेगी तो एक दिन दुनिया में सिर्फ लाशें ही लाशें होंगी, हम नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, मुझे याद आती है वो फिल्म पीके। अगर आप देखिए तो उसमें एक सीन है जब ट्रेन के पास एक बम विस्फोट होता है और बम विस्फोट के बाद लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। जब पीके वहां पहुंचता है और अपने दोस्त का जूता वहां पाता है पड़ा हुआ, तो जो लाइन बोलता है कि अगर ऐसे ही हम लोग बदले की भावना से ग्रसित रहे, जो विचार उसने अपने शब्दों में व्यक्त किए थे मुझे उसका भाव याद है, तो एक दिन दुनिया में इंसान नहीं सिर्फ जूते बचेंगे। इसलिए बेकन कहता है देयर इज नो मैन डथ रॉन्ग फॉर द रॉन्ग सेक। स्टूडेंट्स, बेकन कहता है कि देयर इज नो मैन डथ रॉन्ग फॉर रॉन्ग सेक। व्यक्ति किसी की गलत व्यवहार के लिए उसको दंडित करे ऐसा नहीं है, बट देयर बाई टू परचेज हिमसेल्फ प्रॉफिट और प्लीजर और ऑनर और द लाइक। बल्कि बेकन कहता है कि एक व्यक्ति जब दूसरे से बदला लेता है वास्तव में, बट देयर बाई टू परचेज, तो वास्तव में अपना लाभ करने के लिए बदला लेता है कि एक व्यक्ति ने हमको चोट पहुंचाई है, इसको चोट पहुंचा देंगे तो हमको लाभ हो जाएगा, हमारे मन को लाभ मिल जाएगा, आर प्लीजर हमको खुशी मिलेगी, आर ऑनर हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। लोग कहेंगे कि देखिए एक बार इस आदमी को एक थप्पड़ उस आदमी ने मारा था, उस आदमी का देखिए इन्होंने हाथ तोड़ दिया, इससे उसका ऑनर बढ़ जाएगा, उसका जलवा बढ़ जाएगा, उसका भवकाल मेंटेन हो जाएगा, उसको उसकी अंतरात्मा को खुशी मिल जाएगी। उस आदमी ने हमको गाली दी थी, हमने उसका थोबड़ा ही तोड़ दिया। बेकन कहता व्यक्ति किसी गलत कार्य के लिए गलत कार्य नहीं करता है। किसी की गाली देने के बदले अगर हम उसको डंडों से पीट रहे हैं तो केवल प्रॉफिट के लिए, थोड़ा सा मन की शांति के लिए, प्लीजर के लिए, खुशी के लिए, और ऑनर या सम्मान के लिए, और लाइक या इस तरीके के विचारों के लिए, अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक व्यक्ति बदला लेता है। इसलिए बेकन कहता है देयर फॉर व्हाई शुड आई बी एंग्री विथ ए मैन। इसलिए हम किसी पर नाराज क्यों हो भाई, देयर फॉर व्हाई शुड आई बी एंग्री विथ ए मैन। हम किसी पर नाराज क्यों हूं फॉर लविंग हिमसेल्फ बेटर देन मी। भाई वो व्यक्ति जिसने हमको चोट पहुंचाई है वो हमसे ज्यादा स्वयं को पसंद करता है ना, वो स्वार्थ बस अपनी खुशी के लिए हमको चोट पहुंचा रहा है, वो हमारा नुकसान नहीं करना चाहता है वास्तव में, वो बल्कि अपने आप को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है। उसका उद्देश्य ये नहीं कि हमको दंडित कर दे, उसका उद्देश्य है कि आपको दंडित करके उसको प्रसन्नता मिलेगी, उसका ऑनर बढ़ जाएगा। इट मीन्स वो प्रेमी है और वो स्वयं का प्रेमी है, वो अपने आप से बहुत अधिक प्रेम करता है। ओके स्टूडेंट्स, बेकन इस तरीके से तमाम सारे एग्जांपल्स के माध्यम से, तमाम सारे प्रूफ्स दे करके, तमाम प्रकार के जस्टिफिकेशन दे करके ओवरऑल यही बताने का प्रयास करता है कि रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, कि किसी भी रूप में
हम कभी भी बदले के विचारों को न्याय संगत नहीं ठहरा सकते हैं। यदि हम मनुष्य हैं और मनुष्यता के पोषक हैं तो निश्चित रूप से हमको बदले की भावनाओं से ऊपर उठ करके नैतिक और मानवीय मूल्यों का पोषक बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ स्टूडेंट्स, हम लोग आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। कल इसके आगे हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।